गाइज आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ, मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप लोग एक महीने के अंदर कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। और ये जो मेहनत है आपकी सिर्फ और सिर्फ वन टाइम मेहनत होती है, लाइफ टाइम आप लोगों के पास में पैसा आएगा। और जो 10,000 रुपए की लागत आप लोग लगा रहे हैं वो भी आपका रिफंडेबल होता है। कहने का मतलब कि वो 10,000 रुपए भी आपको वापिस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि 10,000 रुपए की आपकी जो लागत लग रही है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है। जैसा कि गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, जो भी मार्केटिंग मेटेरियल आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये मार्केटिंग मेटेरियल आप लोगों को मिलता है। इसी तरीके से जो आईडी कार्ड्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जो भी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कराती है, इस तरीके से आईडी कार्ड्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये सभी के सभी आज ही की डेट में यहां से डिस्पैच होने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं उन सभी के आईडी कार्ड्स हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, उन सभी के आईडी कार्ड्स हैं। और इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वर्क है। एक बार आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूं आपके पास पैसा आता रहेगा। एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज से पहले किसी भी YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में किसी ने भी कोई भी जानकारी नहीं दी होगी। हमारे YouTube चैनल द इंडियन स्टैक पर ऑलरेडी इस चीज के 2 वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज थे वो लोग, तो हमने सोचा कि एक तीसरा वीडियो क्यों ना बनाया जाए इस चीज के ऊपर, क्योंकि इतने सारे कॉल्स हम लोगों के पास में आ रहे हैं। अगर एक कॉल पे बात चल रही है तो ये समझ ली 100 से 120 मिस कॉल्स पेंडिंग में पड़ जाते हैं। इतने सारा कोर्स हमारे पास में आ रहे हैं, हम सभी को रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि एक बार अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। फिर अगर आप कॉल भी करते हैं तो कॉल के ऊपर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बिजनेस के शुरुआत करने के लिए, इस बिजनेस के साथ में जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से एग्रीमेंट्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्रीमेंट्स हम सभी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं इसको ओपन भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस होता है जो भी हमारे साथ में जुड़ करके बिजनेस को करता है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि जो 10,000 रुपए आपसे लिया जाता है वो सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल जो किट होती है उस चीज के लिए लिया जाता है, जो कि आपको वापस मिल जाता है अगर आप एक भी स्कूल डन कर देते हैं। तो एक भी स्कूल अगर आप डन कर देते हैं तो 10,000 रुपए आपका वापस मिल जाता है, इंस्टेंट मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो भी मार्केटिंग मटेरियल हो गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी टेक्निकल टीम सपोर्ट का जो कस्टमर केयर नंबर होता है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। अगर कहीं पर भी जा रहे हो आपको ट्रेनिंग तो हम दे ही देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी इशू हो जाता है या फिर सामने वाला पर्सन आपसे ऐसे क्वेश्चंस कर लेता है जिसका जवाब आप लोगों के पास में नहीं होता है, तो वहां पर भी हम लोग आप लोगों को टेक्निकल टीम का नंबर देते हैं जिससे कि वो डायरेक्टली आप उनसे बात करवा सकते हैं। गारंटेड बता रहा हूं दोस्तों, पूरे YouTube चैनल ही नहीं गूगल के ऊपर भी आप लोगों को ऐसा बिजनेस आइडिया देखने को नहीं मिलेगा। एक बार आप इस चीज का लाइव डेमो देख लीजिए कि किस तरीके से चीज वर्क करती है, क्या चीज है, उसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट डिस्क्राइब करने वाला हूं। सर थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे वर्क करती है ये? सर एक्चुअली ये डिवाइस क्या है, एक RFID प्लस GPRS को कॉम्बिनेशन करके एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है, ओके। जिसमें RFID का क्या काम रहता है, RFID ओनली अटेंडेंस लेता है, और GPRS क्या करता है सैटेलाइट से उसकी लोकेशन लेके पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करवाता है, स्कूल को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि बच्चे को अपन ने बस से कहाँ पे ड्रॉप किया है, किस लोकेशन पे किया है और किस बस से ड्रॉप किया बच्चे, ओके। ये मेन बस का पर्पस होता है, ठीक है। जो बच्चा एक कैंपस के लिए बनाते हैं, कैंपस में क्या होता है, जैसे बच्चा कैंपस के गेट के अंदर एंटर होता है, अपना कार्ड पंच करता है, पेरेंट्स के पास में एक नोटिफिकेशन चला जाता है, ओके, विद परजेंट का कि स्कूल में बच्चा एंटर हो चुका है, ठीक है। जैसे ही बच्चा अगर अपने घर से निकलता है तो बाहर जैसे बस का वेट करता है, बिल्कुल, जैसे ही वो बस के अंदर एंटर किया घर वालों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपका बच्चा बस में बैठ चुका है, बिल्कुल। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो बस से उतरता है तो भी उनके पास में नोटिफिकेशन आएगा, स्कूल के अंदर एंटर करेगा तो भी उनके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका बच्चा सेफ है और स्कूल पहुंच चुका है। अगर बीच रास्ते में बस खराब हो जाती है तो उस चीज का भी नोटिफिकेशन आएगा कि अभी बस में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसी के अलावा सर बहुत सारे इसमें फीचर्स आपने बताए हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या अभी उनका जो फीस वगैरह का जो भी सारी चीज़ें बताएं एक बार। सर एक्चुअली अपना क्या मॉडल रहता है, एक तो अटेंडेंस के साथ साथ में स्कूल्स को एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े इसके लिए अपन ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, ERP प्लस एप्लीकेशन, वो भी स्कूल्स के नाम की, अपने ये कंपनी का कहीं भी नाम नहीं आता उसमें, ओनली स्कूल्स का ही रहता है। अच्छा
अच्छा स्कूल का ही नाम रहता उसमें, उसमें तो, कंप्लीट स्टूडेंट की एडमिशन से लेके अपन टीसीसी से मार्कशीट जनरेट करवाना, असाइनमेंट भिजवाना, होमवर्क भिजवाना, जो भी अपने नॉर्मल क्लास टेस्ट लेते हैं उनके मार्क्स भिजवाना, एवरीथिंग इसमें मैनेज हो जाता है। जो सर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनका भी सारा डेटा अपनी फैमिली के पास में पहुंच सकता है? सर हॉस्टल में अपने एक अलग कंसेप्ट लेके आए हैं। हॉस्टल में क्या होता है, पेरेंट थोड़े फिगर ये रहती है कि बच्चे ने खाना खाया है नहीं खाया है, हॉस्टल से स्कूल में गया है नहीं गया है, अटेंडेंस हुई है नहीं हुई है, तो उनके लिए भी अपन दो जगह डिवाइस लगाते हैं। एक तो हॉस्टल के मेस में डिवाइस लगाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा कब लंच किया है कब डिनर किया है, जैसे कार्ड पंच करेगा उनका लंच का मैसेज चला जाएगा उनका डिनर का मैसेज चला जाएगा, तो पेरेंट्स एक अवेयर हो जाते हैं कि बच्चे ने खाना खा लिया, एक तसल्ली हो जाती है बिल्कुल। और हर एक पेरेंट्स चाहता है, किसी का मान लीजिए मेरे ही अगर बच्चे हैं तो मैं भी ये चाहूंगा कि मेरा बच्चा सेफ रहे, मुझे पता रहे कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, मुझे हर एक जानकारी उसकी चाहिए होती है। हर एक पेरेंट्स का ये होता है कि मेरे बच्चे के बारे में मुझे सारी डिटेल्स पता रहे, क्योंकि आज के जमाने में सर आप भी देख पा रहे हो बच्चे कितने बिगड़ जाते हैं, पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा भी रहे कि नहीं जा रहे, रास्ते में कहीं रुक तो नहीं जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सर यहाँ पे बहुत सारे आपने ये दे रखे हैं, इनवॉइसेज, पेमेंट हिस्ट्री, स्कॉलरशिप, पे स्लिप, एडवांस रिसिप्ट, एक्सपेंसेस, होटल फीस, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है? बिल्कुल सर, ये एवरीथिंग इसमें स्टूडेंट की एडमिशन से लेके आपको टोटल अटेंडेंस, बस वाइज अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस, अच्छा टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंस है, कितने मतलब अर्ली एग्जिट हुए हैं, मतलब एक टाइमिंग से पहले जो एग्जिट हो जाते हैं, और ये एग्जाम के शेड्यूल्स वगैरह हो गए, बिल्कुल मार्क परसेंटेज वगैरह हो गए, प्रमोशन, क्लास रैंकिंग, बिल्कुल सर ओके, ये सारी चीजें रिलेटेड ये आता है कि इंजन कब स्टार्ट हुआ है कब स्टॉप हुआ है, स्टूडेंट एंड स्टाफ का मतलब कौन सा स्टाफ कौन सी बस से आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट है कौन सी बस से आ रहा है, ये एक मैनेज करना ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत टफ रहता है कि कौन सा बच्चा किस बस में आ रहा है। ओके तो सबसे ज्यादा मैनुपुलेट इसी में होता है कि कौन सा बच्चा किस बस में आ रहा है, अपन बहुत ही इजीली इसमें ट्रैक कर पाते हैं। अच्छा तो जैसे यहाँ पर ये क्या चीज़ है सर, SMS रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट, बस रिपोर्ट, विजिटर रिपोर्ट, सर ये रिपोर्ट एक्चुअली ये होती है कि किस मोबाइल नंबर पर मैसेज शूट हुआ है, ठीक है बच्चे का लोकेशन का, फादर का क्या नंबर है, क्या मदर्स का नंबर है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी SMS में रिपोर्ट आ जाती है, क्या मैसेज सेंड भी हुआ है नहीं हुआ है वो एवरीथिंग इस रिपोर्ट में मैनेज हो जाता है। ठीक है, एंड इसके साथ में जैसे फीस नोटिस, हॉलीडे एक्टिविटीज, टाइम टेबल, इवेंट्स, गैलरी अटेंडेंस वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर है, ये सब एप्लीकेशन के फीचर रहते हैं, और ये व्हीकल ट्रैकिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग, स्टूडेंट अटेंडेंस, ये सारी चीजें बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर ना सर। एक्चुअली GPRS की अपने जो बेसिक GPRS होता है और जो अपना GPRS है उसमें बहुत सारे अलग फीचर्स मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे बेसिक GPS होता है उसमें क्या होता है अपने को हर बच्चे को एक एक मैनुअली ऐड करना पड़ता है कि उसको कौन से नंबर की ट्रैकिंग देनी है, अपने वाले में ऐसा कुछ भी मैनुअली वर्किंग कुछ भी नहीं है, अपने वाले में जैसा जिस बस में कार्ड पंच करता है पेरेंट्स को उसकी लोकेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे रूट 1 में कार्ड में पंच किया ऑटोमेटिक पेरेंट्स के पास रूट 1 की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगगी। सपोज इट आज रूट 1 नहीं गई है, रूट 2 स्कूल वाले भेज रहे हैं, अच्छा तो आपको मैनुअली रूट 2 जाके सॉफ्टवेयर में जाके ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट जैसे रूट 2 में कार्ड पंच करेगा ऑटोमेटिक पेरेंट्स के पास में रूट 2 की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्क किस तरीके से करता है, कौन कौन से स्कूल्स के अंदर आपकी ये डिवाइसेज ऑलरेडी काम कर रही है? सर अपनी काफी जैसे ब्रांड स्कूल्स है, अपने गुड़गांव में GD गोइंग का वर्ल्ड स्कूल रही सोना रोड के ऊपर, ठीक है दिल्ली में GD गोइंग का ग्लोबल स्कूल रही, GD गोइंग का हाई स्कूल रही, जी जी जयश्री पेरीवाल स्कूल रहा जयपुर में, बहुत बड़ा ग्रुप है जयश्री पेरीवाल, उनमें अपना लगा हुआ है काफी समय से, जी जी GD ये जयश्री पेरीवाल ग्लोबल स्कूल है जगतपुरा में, काफी बड़ा स्कूल है, उनमें लगभग 199 अप्रोक्स बसेस रहती है, तो उनमें क्या बड़ी जितनी भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट रहता है उनमें ये मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है कि कौन सा बच्चा किस बस से आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, और एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि बच्चा गलत बस में तो नहीं बैठ रहा कहीं पे, कई बार ऐसा होता है कि एक ही रूट के ऊपर 2 या 3 बसें जाती है तो बच्चा कोई सी बस में बैठ जाता है, तो अपनी डिवाइस में ये फीचर है कि जैसे ही बच्चा गलत बस में कार्ड पंच करेगा तो डिवाइस में बजर के बाद आवाज आ जाएगी करके, तो जो भी भाई जी मैम वगैरह या ड्राइवर भैया रहते हैं उनको ये इन्फॉर्म हो जाता है कि ये बच्चा इस बस का नहीं है। ओके तो ये ID कार्ड इस तरीके से होता है, जो आपका चिप होता है इसके अंदर इनबिल्ट होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये भी एक स्कूल का है, आप चिप देख पाएंगे तो इसमें चिप लगी हुई है। ओके ओके यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना, ठीक है
इस चिप में अपन स्टूडेंट के डिटेल स्टोर कर देते हैं ओके एंड इसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो तो सर एक बार हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप करके दिखाएं एक बार। यस सर। हाँ सो गाइज अभी हम आप लोगों को लाइव डेमो दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये डिवाइस वर्क करती है। सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइए सर दिखाएं। जैसे ये अपना स्टूडेंट का आईडी कार्ड रहता है ठीक है। जैसे ही अपन बस में एंटर होते हैं जो बस में डिवाइस लगी हुई रहती है ओके तो जनरली कार्ड पंच करना है ओके एंड अपनी सीट पर बैठना है ठीक है। अब देखेंगे अपने पास मैसेज आ चुका होगा ओके सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है हेमंत यादव हैज लेफ्ट बस नंबर ये है और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर मेरी जो लोकेशन है एग्जैक्ट वो लोकेशन आ चुकी है डेट आ चुकी है टाइम आ चुका है सारी डिटेल्स आप लोगों को मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। तो इसी तरीके से डिवाइस वर्क करती है जो कि स्कूल्स में या बस वगैरह में हर जगह पर लगी हुई होती है। एंड सर इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। बिल्कुल सर इसमें जैसे आपने जैसे ही कार्ड पंच किया तो अपने को डैशबोर्ड पे भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा okay. कौन सा बच्चा किस नंबर पे मैसेज गया है पेरेंट्स के पास में कौन सी क्लास का बच्चा है किस लोकेशन से गया तो मतलब एक स्कूल के पास में भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि हर बच्चे को अपन ने कहाँ पे ड्रॉप किया है। अच्छा सर इसमें ये भी रहता है कि जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना वो स्कूल बस का वेट करते रहते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि इस टाइम के करीब बस आएगी तो काफी बार क्या होता है कि बस लेट भी हो जाती है तो उनको ऐसा नहीं पता चल सकता कि भाई अभी आपकी बस आने वाली है उससे पहले उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल सर इसमें हाँ, जिससे उनको वेट ना करना पड़े ना घर के बाहर खड़ा होकर के। बिल्कुल सर ये क्या एक्चुअली हर स्कूल्स की प्रॉब्लम रहती है कि बच्चा अननेसेसरी स्टैंड के ऊपर वेट करता रहता है। इनका भी अपन सॉल्यूशन लेके आए थे। बच्चे को भी पहले नहीं जाना पड़ेगा बस के लिए तो उनके पास नोटिफिकेशन आएगा तो फिर वो उनको ड्रॉप कर सकते। बिल्कुल सर इसमें क्या होता है जैसे ही अपने घर के पास में बस आने वाली रहती है 100 मीटर पहले अपन पेरेंट्स को नोटिफाई करवा देते हैं बस अबाउट टू रीच योर होम। सर ये तो बहुत ही अच्छा फीचर है लोगों का टाइम भी बचेगा इसके अंदर ना। सर मैं आप थोड़ा सा मुझे डिटेल दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपकी डिवाइसेज लगी हुई है कौन कौन से स्कूल्स में लगी हुई है आपका थोड़ा बहुत अगर डेटा भी पड़ा हो तो। सर अपनी जैसे बेसिकली जयपुर में जैसे बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जयश्री पेरीवाल्स उनका मैं आपको शो करवा सकता हूँ। गाइज अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो डायरेक्टली आप जो भी स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह हम बता रहे हैं तो वहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के या फिर किसी को भी वहाँ पर भेज करके ये चीज़ की जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ पर ये डिवाइस लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज के अंदर ये डिवाइसेज लगी हुई होती हैं और ये बहुत ही आसान काम है आज के टाइम में। तो इससे अच्छा बिजनेस आइडिया मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं पर भी देखने को भी नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को ये और बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करना। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को हर एक पिन कोड पे ऑल ओवर इंडिया एक बंदे को हायर करना चाहता हूँ कि एक ही बंदा इस चीज को करे। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर पूरा कचरा इकट्ठा कर लूँ 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लूँ वो चीज हमें नहीं चाहिए। सिर्फ एक परफेक्ट बंदा हमें वहां पर चाहिए। हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको रखेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिखाई दे रहा है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे हेड ऑफिस आकर के विजिट कर सकते हैं सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से सर थोड़ा सा दिखाएं। सर जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ जीडी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल जो गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा स्कूल है सोना रोड के ऊपर उसका मैं आपको एक पोर्टल दिखा देता हूँ ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं जीडी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर 620 स्टूडेंट है इसमें जैसे इनके मैसेज सेंड किए हुए हैं। अच्छा ओके तो इसी तरीके से डेटा वो रहता है एंड ये इनका पूरा डैशबोर्ड का पैनल रहता है कि स्टूडेंट पेरेंट्स स्टाफ के एंट्रीज एकेडमिक सेशन होमवर्क वगैरह सेंड करवाना पेरेंट्स को ओके एग्जाम का मॉड्यूल करवाना मार्क्स भिजवाना अपने रिपोर्ट कार्ड जनरेट करवाना मतलब स्टूडेंट का एंट्री से लेके अपन टीसीसी तक का सारा मॉड्यूल अपन इसमें मैनेज करवा सकते हैं। गाइज हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट इस चीज का डिटेल देंगे आपको अच्छे से हम बताएंगे समझाएंगे उसके बाद में इस तरीके से जो ब्रोशर्स वगैरह होते हैं ये चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जितनी भी डिटेल कंपनी की होती है सारी डिटेल्स आप लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे। आपको सिंपली स्कूल्स में जाना है कॉलेज में जाना है वहां पर जाकर के जो भी वहाँ का प्रिंसिपल है या फिर जो भी मैनेजमेंट का बंदा है उसको एक्सप्लेन करना है उनको समझाना है कि सर ये इस तरीके से काम करता है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आपने 10 स्कूल के अंदर भी गए तो वहाँ से मात्र कोई एक ही बंदा ऐसा होगा जो आपको ना बोलेगा। हर एक बंदा इस चीज़ को करने के लिए रेडी होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हर एक इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड यहाँ से आप लोग बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। मैं आपको और भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ।
जैसा कि गाइज आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से ये चीज वर्क करती है, आपने देखा कि स्कूल हर जगह पर होती है और उनके पास में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक नॉर्मल आईडी कार्ड होता है जैसा कि इस तरीके से, लेकिन हम उनको एक अलग से अलग आईडी कार्ड प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर एक इनबिल्ट चिप लगी हुई होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक चिप लगी हुई होती है और एक छोटी सी मशीन होती है जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा। जैसे स्टूडेंट उस चीज को पंच करता है, आईडी कार्ड को मशीन पे पंच करता है, तो फैमिली के पास में नोटिफिकेशन चला जाता है कि बच्चा स्कूल बस में बैठ चुका है। जब बच्चा स्कूल बस से उतरता है तो भी नोटिफिकेशन जाता है, स्कूल कैंपस के अंदर एंटर करता है तो भी नोटिफिकेशन जाता है। तो इसका बिजनेस आप लोग किसी भी स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से या कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कर सकते हैं। आपको सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाना है, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनसे बात करनी है, उनको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर एक भी स्कूल आप लोगों का डन हो जाता है तो गारंटी से आप लोग सिर्फ उसी स्कूल से कई लाख रुपए कमा करके बैठ जाएंगे। और ये पैसा जब तक ये आईडी कार्ड हमारा उस स्कूल में रहता है, चाहे वो 10 साल रहे चाहे 20 साल रहे, तब तक आपके पास में हर साल रॉयल्टी आती रहेगी, रिन्यूअल का पैसा आता रहेगा। आपने मेहनत सिर्फ वन टाइम की है लेकिन वो पैसा आपके पास में लाइफ टाइम आता रहेगा। अब इस तरीके से सोच लीजिए, अगर आपने 20 स्कूल या 50 स्कूल कवर कर लिए तो कितना पैसा आप लोगों के पास में आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो भी काम कर रहे हैं सभी काम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ किसी चीज पे ध्यान दें, बिल्कुल भी नहीं दें। आप जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी करते रहे, मात्र दिन में एक घंटा आप निकाल लीजिए इस चीज के लिए कि आप ये चीज सोच लीजिए कि मुझे आज इस स्कूल में जाना है और उन लोगों को बताना है। सिंपली आपको वहां पर यह सारी चीज एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आपके पास में कंपनी का एक आईडी कार्ड होता है, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं कंपनी का लोगो वगैरह होता है, नाम वगैरह सारी चीजें हम आप प्रोवाइड कराते हैं, आप कंपनी के एक वेरीफाइड एम्प्लॉई होते हैं। इसी तरीके से ये ब्रोशर्स वगैरह जो कि मार्केट में आप जा रहे हैं किसी भी स्कूल में जाएंगे तो सॉफ्ट कॉपी तो आप दिखाएंगे नहीं, कि मोबाइल से मैं पीडीएफ दिखा दूंगा बंदा आपसे सहमत हो जाएगा। इस तरीके से ये 4 पेज का जो ब्रोशर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती है, सामने वाला बंदा इस चीज को रीड कर सकता है। मान लीजिए अगर उसके पास उस टाइम टाइम नहीं रहा तो आप उनको ये बोल सकते हो कि सर ये ब्रोशर आप रख लीजिए, जब भी आपका मन करता है तब मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग मटेरियल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होता है, इस तरीके से एग्रीमेंट होता है, ये भी चीज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो 10,000 रुपए लिया जाता है उसका मार्केटिंग मटेरियल आप लोगों को मिलता है, किट मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, टेक्निकल टीम सपोर्ट नंबर मिलता है, उसके बाद में कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आती। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, खुलकर जा सकते हैं और सारी चीजें बता सकते हैं, उन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज है। 1700 से ज्यादा स्कूल्स में ऑलरेडी हमारे आईडी कार्ड्स लगे हुए हैं और मैं ये चाहता हूं कि पूरे पैन इंडिया लेवल पर हम सब लोग साथ मिलकर के काम करें। आप सभी लोग जानते हैं कि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि आप लोग भी 2 पैसे कमाएं, 2 पैसे मैं भी कमाऊं। मैं पूरे इंडिया में अकेला जा नहीं सकता और बस जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सारी चीजें हैं। जो मार्केटिंग का पैसा भी आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मैं 10,000 का मटेरियल तो भेज दूंगा लेकिन वो कहीं स्कूल में नहीं गए, काम नहीं किया, तो मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया। इस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में कॉल्स आते हैं। अगर हम इसी तरीके से सबको फ्री में बांटते रह जाएंगे तो शायद वो लोग काम भी ना करें। अगर आप 10,000 रुपए देंगे तो आपको पता है कि मैंने थोड़ा पैसा लगा इस बिजनेस के अंदर, तो आपका मन करेगा उस चीज को करने का। तो इसी वजह से आपसे ये पैसा लिया जाता है। ये पैसा भी अगर आप एक भी स्कूल डन कर देते हैं, कंफर्म हो जाती है, तो ये पैसा आपका आपको वापस मिल जाता है। आपको कोई भी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको स्कूल्स में जाना है, उनको कन्विंस करना है। इसके बाद जो भी डिवाइसेज वगैरह लगेगी, आईडी कार्ड्स लगेंगे, सब कुछ हम करके देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे एग्रीमेंट पे भरोसा नहीं होता है कि सर आपका एग्रीमेंट फेक हो सकता है, तो मैं आप लोगों को ये भी कहता हूं कि आप हमारे पास आए, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और आप कोर्ट में जाकर के किसी भी एग्रीमेंट पे, जिस भी एग्रीमेंट पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट पे हम लोग साइन करने के लिए तैयार है। अब इससे ज्यादा मैं बजरंग बली तो होने की सीना फाड़ करके आप लोगों को दिखा दूं, जो है हकीकत है। मेरे 2 ऑफिस है, आप दोनों ऑफिस पे कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर भैरव राजस्थान में आते हैं तो आपके लिए रहने और खाने की पूरी व्यवस्था हमारी कंपनी की तरफ से होगी, चाहे आप 1 दिन रुके चाहे 1 महीने रुके, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती है वहां पर रहने के बावजूद भी, हम मत करिए, हम आपका स्वागत करेंगे और अच्छे से करेंगे। एक बार आप विजिट करें, विजिट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन भी हो जाता है, दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास में। अगर ज्यादा डिस्टेंस से आप लोग रहने वाले हैं तो आप ऑनलाइन प्रोसेस करवा सकते हैं, फिर भी अगर आपको बिलीव नहीं होता वीडियो कॉल के माध्यम से सारी चीजें देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। जय